पर प्रस्तुत करेंगे। जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में अव्यवस्थाओं और लापरवाही उजागर करने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक मरीज को अस्पताल में भर्ती करते वहां न तो डॉक्टर दिखाई दे रहे न ही स्टाफ। तकलीफ बढ़ते देख परिजनों ने खुद ही ऑक्सीजन लगाना यहां पर उन्हें पड़ा है और जानकारी लगते और पार्षद गुड्डू नबी भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी कलेक्टर को दी। लोग की ड्यूटी रहती है, लोग मैनेजमेंट को देखते हैं। हाँ। हम लोग ड्यूटी करने वाले डॉक्टर हैं। हाँ। जो आपकी समस्या वही हमारी समस्या, हमने उनको बोल दिया है वो इसका भेज रहे हैं। टाइम भी एजेंट चले जाओ। हम लोग अपने पापा को लेके गए विक्टोरिया, तो पहले तो वार्ड नंबर 2 में सस्पेक्टेड ने हमको एडमिशन दिया। वहाँ जब पहुँचे तो तीन बेडों में चेक किए तो वहाँ ऑक्सीजन का कुछ इंतजाम नहीं था। पर उसी बीच में हमारे पास अपना पर्सनल छोटा सिलेंडर था जिससे हमने उनको थोड़ा सा बूस्ट दिया। उसके बाद फिर हमें 4 नंबर पर रेफर किया ऊपर। जहाँ पहुँचने के बाद पूरा एक तो खाली था और वहाँ पर भी यही असुविधाएँ थी कि ना डॉक्टर थे ना नर्स थे, कोई नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल में एक पॉइंट में आ रही थी ऑक्सीजन, तो हम लोगों ने वहाँ पर उनको लेटाया और ऑक्सीजन लगवाया, मगर पर्याप्त मात्रा में जितनी उनको ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी मिल नहीं रही थी। विक्टोरिया हॉस्पिटल मेरे को फ़ोन आया किसी पेशेंट का कि मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है, यहाँ कोई नहीं, तकरीबन 2 घंटा हो गया उनको परेशान होते हुए, कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, ऑक्सीजन देने वाले नहीं, ऑक्सीजन भी हमने अपने हाथ से लगाया जिसमें उनको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। जब हम वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल के अंदर तो वहाँ वाकई हमने देखा कोविड वार्ड के अंदर भी है, तो 3-4 वार्डों में खून हमने, वहाँ अव्यवस्थाओं का आलम था, ना कोई डॉक्टर ना कोई नर्स। फिर जिस जैसे जैसे हमने इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर जैन आए कोई, तो जैन साहब से हमारी बात हुई, जैन साहब से कहना था जिनकी ये गलती है पूरी उनकी है जो ड्यूटी लगाते हैं डॉक्टर, हमारी कोई गलती नहीं है, और ये कोविड वार्ड है, कोविड वार्ड में मैं ड्यूटी नहीं दे सकता। नर्सेस को बुलाया गया, नर्सें वहाँ कोई नहीं थी। फिर उसके बाद मेरे द्वारा वीडियो वहाँ को बनाया गया, फिर सिविल सर्जन से बात की, CMO से बात की, उसके बाद कलेक्टर से बात की, फिर तीनों के हमने वीडियो वायरल की। तब 1.5 घंटे के बाद माननीय अरोरा साहब आते हैं सिविल सर्जन, तब व्यवस्था देखते हैं। नहीं, ये निश्चित रूप से ये कल वीडियो मुझे संज्ञान में आया है, उसमें जानकारी लेने पर ये मालूम पड़ा था कि वो मरीज अन्य कोविड से संबंधित नहीं था, सांस की तकलीफ उसको हृदय रोग के कारण होना थी, किन कारणों से उस वार्ड में चला गया इसकी जांच की जा रही है, और जो ड्यूटी पर स्टाफ नर्स उपस्थित नहीं थी उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी गई।